यार मेरी शायरन की शादी हो गई और मैंने मिस कर दिया एंड आई वॉज़ रिग्रेटिंग अलॉट, क्योंकि मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। मैंने एक शो कमिट कर दिया था और मुझे नहीं पता था कि उसकी शादी उसी डेट को है। एंड एक दिन पहले मेरे मैनेजर ने मुझे कॉल करके बोला वी हैव अ मॉर्निंग फ्लाइट, एंड आई वॉज लाइक ओ शिट, अब मैं क्या करूँ। तो मैंने बहुत अपोलोजाइज़ किया और मैंने उससे ज़्यादा बहुत रिग्रेट किया, क्योंकि मैंने सबके फ़ोटोज़ देखे एंड सब इतना मस्ती कर रहे थे एंड आई कैन इमेजिन वहाँ पे कितना मज़ा आया होगा और वो कितनी खूबसूरत लग रही होगी। और प्लस लविन मेरा फ्रेंड, तो यू नो दोनों ही फ्रेंड थे, तो यार दोनों को देखने की ख्वाहिश रह गई मेरी। सो बट स्नेहा ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू दैट यू गॉट द लव ऑफ योर लाइफ, एंड तुम दोनों बहुत अच्छे लगते हो एंड आई रियली होप कि तुम लोगों का मैरिड लाइफ बहुत ब्यूटीफुल एंड बहुत सक्सेसफुल होगा। अरे बहुत मजा आया। मैं पहली बार किसी हिंदू की शादी में गया हूँ लाइफ में। अच्छा। मैं झूठ नहीं बोल, हाँ फर्स्ट टाइम मैं पहली बार बारात में नाची हूँ एंड आई हैव सीन द रिचुअल्स एंड ऑल हैपेंड। और सामने पहली बार इंडियन पहना था, बहुत सुंदर लग रही थी वो। हाँ, मेरा पहला इंडियन कपड़ा जो मैंने सिर्फ स्नेहा की शादी के लिए खरीदा था। और मैंने गरीब जैसे नॉर्मल जो मेरे कपड़े वही पहने थे, मेरे पास इंडियन कपड़े है नहीं, तो उन्होंने बोला भी था कुछ ले ले, बोला था बारात है तो थोड़ा कर ले इंडियन में, बोला नहीं यार जो है मैं वही पहन के आऊंगा। और अच्छा वही पहनगा क्योंकि बहुत बाद में इतना डांस किया कि हम लोग बहुत पसीने से लथपथ हो गए थे। हाँ, बहुत ज़्यादा। और फिर इधर उधर घूम रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था, बट बहुत मज़ा आया। और नेक्स्ट शादी का वेट कर रहे हैं। हाँ, मैं वो बाहर से बारात में नाचना है अभी। हाँ। लेकिन वो टू गुड। और बाद में खाना भी खाना, क्योंकि खाना अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ। था नहीं एक्चुअली हमारा डोल था, हम पार्टी बदलते थे। पहले बारात में लड़के की तरफ से गए, फिर जब वो उनका एक रिचुअल होता है कि लड़की को आगे एंड लड़का आगे पैसा मांगता है एंड ऑल ऑफ दैट, सो सडनली मैं लड़की की तरफ से हो गई एंड आंटी है आंटी। एक्चुअली हम लोग लड़की की तरफ से ही थे। हाँ। बट फिर जो लड़का है वो थोड़ा भावुक हो गया और उसने कॉल और मैसेज किया कि अरे यार बारात में आओ यार, तो हम लोग को बुरा लगा। हम लोग कि यार दोनों हम लोग के ही दोस्त है, तो और यहीं से शुरू हुई, धीतरी से शुरू, धीतरी से शुरू उनकी प्रेम कहानी। तो हम लोग बोला कि चलो स्विच कर लेते हैं आज, चलो। तो हम लोग पार्टी बदलू इंसान थे। हाँ, मतलब, समझ गए ऑडियंस समझ गए। हाँ। अभी भी यकीन नहीं हो रहा exactly. कि स्नेहा फिर भी ठीक है। हाँ। किसकी शादी हो गई, लवीन जो जैसा है ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे अगर मैं जब शादी करूंगा तो वैसे। मतलब स्नेहा तो फिर भी आपके आई कैन इमेजिन चलो हो रहा उसका, शी इज वेरी एक्साइटेड, घरेलू है और वेरी स्वीट है, तो वो हमेशा ऐसे मेरी शादी होगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे, ये सब बोलती थी। एंड लाइक आई कैन इमेजिन लविन जब आया भी तो ऐसा आया जैसे मतलब लविन की एंट्री दिखाएंगे, वेट कर रहे थे लविन का कि वो आने वाला है। हाँ, तो वो आया ऐसे सुपरमैन, नहीं सुपरमैन का नहीं, कुछ तो उसके मामा रिचुअल है कुछ तो फॉर प्रोटेक्शन, और चश्मा बन गया था ग्रीन कलर का चश्मा में ऐसे, सबको हाथ वाथ दिखा रहे हैं। एंड वो जो व्हाट वाज दैट मूवी, दबंग? नो नॉट दबंग, द अदर वन, गर्व नहीं रे, सम बिग नेम इट हैज नो, वेयर दे आर ऑल गिविंग बैड वर्ड्स इन द मूवी एंड ऑल ऑफ दैट, सिंघम? नो यार, कोई तो मूवी था, वसेपुर, वसेपुर, गैंग्स ऑफ वसेपुर। हां गैंग्स ऑफ, उसमें कैसे मतलब कोई विलन की एंट्री होगी और वो लविन और वो ऐसे 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 लविन की एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं अच्छी है, वो ना मेथड में घुस जाता है, मेथड एक्टिंग में। तो अपनी शादी के दिन भी मेथड एक्टिंग में घुस गया था, जब बारात आई तभी अलग मेथड चल रहा था उसका, जब घोड़े पे बैठा भी अलग मेथड, और जब बैठ के जब वो घोड़े पे बैठा, घोड़ी पे बैठा, सडनली ही गोस लाइक, हाँ सबको ऐसे मतलब जो मंत्री लोग करते ना वैसे बिहेव कर रहा था। अरे और भाई तो क्या कर रहा है। और जब रिसेप्शन चल रहा था तभी उसने जब सूट वूट जो पहना था उसमें अलग मेथड चल रहा ना उसका, मतलब हाँ मतलब एकदम सोफिस्टिकेटेड, जैसे ऐसे रहते ना हाय हेलो एकदम एलीट क्लास, तो वो फील में घुस गया था वो, तो एक्स्ट्रा मेथड हो जाता है उसका। ये था हम लोग जब घोड़ी के पास नाच रहे थे, घोड़ी वाज वेरी फास्ट, लेकिन वी वर ऑल डांसिंग एंड द बैंड वाज आगे, सो सडनली आई कुड हियर हिम, अरे आप नहीं नाच रहे हो अंदर अंदर, अरे थोड़ा अंदर। तो मैंने बोला, आई वॉज होल्डिंग द कैमरा, मैं इनका वीडियोज निकाल रही थी, तो मैंने बोला लविन मिल नहीं रहा है यार, तो बोलता देना देना मैं टॉप एंगल निकालता हूँ ऊपर से। मैं बोली पागल है क्या, घोड़ी में बैठ के तू अपने बारात में लोगों का टॉप एंगल निकालेगा? और सबसे बेस्ट उनके हम माफ़ी मांगेंगे क्योंकि हमने उनके जो शादी के फोटोज है बहुत गंदे खराब किए, क्योंकि उनको ऐसे पोज करना था कि ऐसे हग कर रहे हैं ऐसे फुल लवी डवी, तो वो जैसे हम लोग सामने बैठ के ऐसे कॉन्शियस करा रहे थे उनको। जब लविन का सोलो फोटो शूट भी चल रहा था तो उसको करना था पोजेस, तो ऐसे करा, और वो जब कर रहा था तो हम लोग सामने बैठ के इसकी जो ले रहे थे वो उसका जो कैरेक्टर था, कैरेक्टर ऐसे और ऐसे देख रहा था, हम लोग हंसा रहे उसको, इतना कंट्रोल कर रहा था वो, तो वो बहुत गाली देंगे हमको बटेट सोख के। यही तो मजा है यार, यार।